आजकल पुराने गानों में थोड़े से बीट्स मिक्स करके उन्हें नया रंग रूप देकर नई फिल्मों में इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर ये काम फिल्मों में बहुत पहले से हो रहा है। पड़ोसन फिल्म का ये क्लासिक कॉमेडी सॉन्ग तो आपको याद ही होगा, और झुमरू का ये दर्द भरा गीत। ये दोनों गाने इससे पहले दो अलग अलग फिल्मों में सुनाई दे चुके हैं। चतुर नार कर सिंगार धारे अपने द्वार जिया निक सजात एक पलक मार। एक चतुर नार 1941 की फिल्म झूला के लिए कवि प्रदीप ने लिखा था, जिसे किशोर कुमार की सलाह पर पड़ोसन फिल्म में गीतकार राजेंद्र कृष्ण ने दोबारा लिखा। इसी तरह कोई हमदम ना रहा 1936 की फिल्म जीवन नैया का गीत है, जिसे झुमरू में किशोर कुमार ने गाया। ओरिजिनल दोनों गाने अशोक कुमार पर फिल्माए गए थे और उन्होंने ही गाए थे। इन दोनों गानों का ओरिजिनल म्यूजिक दिया था पहली प्रोफेशनल फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर सरस्वती देवी ने। यूं तो जद्दन बाई को हिंदी फिल्मों की पहली महिला संगीतकार माना जाता है, पर उन्होंने अपने बैनर की ही फिल्मों में संगीत दिया था। लेकिन सरस्वती देवी एक फुल टाइम म्यूजिक डायरेक्टर थीं, जिन्होंने एक दशक से भी ज्यादा समय तक हिंदी फिल्मों में संगीत दिया। एक पारसी परिवार में जन्मी सरस्वती देवी का असली नाम था खुर्शीद मीनोचर होमजी, जिनके म्यूजिक के प्रति लगाव को देखकर उनके पिता ने उन्हें बाकायदा शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दिलाई। जब मुंबई में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की शुरुआत हुई तो वहां होमजी सिस्टर्स यानी सरस्वती देवी और उनकी बहनों की ऑर्केस्ट्रा पार्टी बहुत मशहूर हुई। वहीं से सरस्वती देवी ने बाकायदा गाने की शुरुआत की। हालांकि वो कॉलेज के टाइम से ही स्टेज पर गाया करती थीं और बाद में भी उन्होंने बड़े बड़े समारोहों में अपने गाने से लोगों का दिल जीता। ऐसे ही एक फंक्शन में हिमांशु राय से उनकी मुलाकात हुई, जो उस समय बॉम्बे टॉकीज शुरू करने जा रहे थे। उनके आग्रह पर सरस्वती देवी ने बॉम्बे टॉकीज में बतौर संगीतकार काम करना स्वीकार कर लिया, बल्कि कहना चाहिए कि पूरा म्यूजिक डिपार्टमेंट उनकी देखरेख और निर्देशों के अनुसार बना। सभी एक्सपर्ट म्यूजिशियंस को उन्होंने ही चुना। मशहूर संगीतकार एस एन त्रिपाठी ने अपने करियर की शुरुआत वहां उनके सहायक के रूप में ही की थी। सरस्वती देवी के साथ उनकी एक बहन माणिक ने भी बॉम्बे टॉकीज ज्वाइन किया, लेकिन दोनों बहनों के फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने से पारसी समाज में हलचल मच गई। हर जगह उनका विरोध होने लगा। एक बार तो ऐसा हुआ कि वो हिमांशु राय के साथ कहीं जा रही थीं कि भीड़ ने उनकी गाड़ी को रोक लिया और सरस्वती देवी को बाहर खींच लिया। उस वक्त हिमांशु राय ने ये कहकर जान बचाई कि वो देवी का रानी है। लेकिन इस विरोध को खत्म तो करना ही था, और फिर ये सोचा गया कि खुर्शीद होमजी मीनोचर नाम को ही बदल दिया जाए। इसके बाद दोनों बहनों का नाम बदल दिया गया। बावजूद इसके सरस्वती देवी की पहली फिल्म जवानी की हवा, जो कि बॉम्बे टॉकीज की भी पहली फिल्म थी, उसका पारसी फेडरल काउंसिल ने बहुत विरोध किया, जुलूस तक निकाले। मामला तब जाकर शांत हुआ जब बॉम्बे टॉकीज ट्रस्ट के कुछ पारसी सदस्यों ने बीच बचाव किया और खूब समझाया बुझाया। और जैसा कि होता है, हर विरोध एक ना एक दिन ठंडा पड़ जाता है। सरस्वती देवी का विरोध भी धीरे धीरे ठंडा पड़ा और वो अपने काम में आगे बढ़ने लगी। कहते हैं कि प्लेबैक आने से पहले ही वो और हिमांशु राय प्लेबैक टेक्निक का एक प्रयोग कर चुके थे। जवानी की हवा फिल्म में सरस्वती देवी की बहन चंद्रप्रभा पर एक गाना फिल्माया जाना था, मगर उस दिन उनका गला खराब था, तो हिमांशु राय की सलाह पर सरस्वती देवी ने वो गाना लाइव गाया और चंद्रप्रभा ने सिर्फ होंठ हिलाए। इस वाक्य का जिक्र सरस्वती देवी ने एक अनौपचारिक इंटरव्यू में किया था। सरस्वती देवी शास्त्रीय संगीत की ज्ञाता थीं, मगर फिल्मों में उनकी काबिलियत उस तरह उभर कर नहीं आ पाई, क्योंकि उस दौर में हीरो हीरोइंस को अपने गाने खुद गाने पड़ते थे, तो फिल्मों का संगीत भी कलाकारों की गायन क्षमता के अनुसार ही देना पड़ता था। उनके लिए ऐसी सरल धुनें तैयार करनी होती थी जिन्हें वो सहजता से गा सके, मगर यही सरल धुनें सरस्वती देवी की खूबी बन गई। ऐसे ही गीत सुनाई दिए 1936 में आई अछूत कन्या में, जो उनकी पहली हिट मूवी थी। अशोक कुमार और देविका रानी को इस गाने का रियाज करीब एक महीने तक कराया गया था। इसी साल
सरस्वती देवी ने जन्मभूमि फिल्म का म्यूजिक दिया। इस फिल्म में एक राष्ट्रवादी गीत था जिसे J.S. कश्यप ने लिखा था। इस गाने के कोरस की एक धुन को BBC ने अपनी इंडियन न्यूज सर्विस की सिग्नेचर ट्यून के तौर पर इस्तेमाल किया। बॉम्बे टॉकीज की जीवन नैया, जीवन प्रभात, प्रेम कहानी, वचन, पुनर्मिलन और झूला जैसी अनेक फिल्मों में सरस्वती देवी ने अकेले संगीत दिया और कंगन, बंधन और नया संसार में रामचंद्र पाल के साथ मिलकर संगीत दिया, जो बहुत ही मशहूर हुआ। लेकिन 1940 में हिमांशु राय की मौत के बाद बॉम्बे टॉकीज के हालात बिगड़ने लगे थे। ऐसे में जब सोहराब मोदी ने उन्हें मिनर्वा मूवी टोन में काम करने की पेशकश की तो उन्होंने वो ऑफर एक्सेप्ट कर ली, पर वहाँ ना तो काम करने की आजादी थी ना ही उन शाही फिल्मों में सरलता की जगह। मिनर्वा की कुछ एक फिल्मों के अलावा उन्होंने कुछ दूसरे बैनर्स के साथ भी काम किया, पर बॉम्बे टॉकीज वाला दौर फिर लौट कर नहीं आया और फिर उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया। सरस्वती देवी ने HMV के लिए नॉन फिल्मी गजलों का भी संगीत दिया था, जिन्हें हबीब वली मोहम्मद ने आवाज दी थी। इनमें से एक थी लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में और दूसरी ये न थी हमारी किस्मत। ये दोनों ही गजलें बहुत मशहूर हुई। जिस दौर में फिल्में एक टैबू हुआ करती थी, महिलाओं के लिए आगे बढ़ना बिल्कुल आसान नहीं था, उस दौर में भारी विरोध झेलकर भी सरस्वती देवी डरी नहीं, रुकी नहीं और मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में उन्होंने अपनी वो पहचान बनाई जो आज के दौर में भी आसान नहीं है। अपने आखिरी दिनों में वो फ्रैक्चर की वजह से काफी तकलीफ में रही और लगभग गुमनामी में ही उनकी मौत हुई। फिल्मी दुनिया का ये काला पहलू है कि डूबते सितारे की तरफ कोई नहीं देखता है, फिर चाहे उस सितारे ने अपने वक्त में कितनी ही चमक बिखेरी हो। लेकिन सरस्वती देवी का नाम फिल्म इतिहास में पहली पेशेवर महिला संगीतकार के रूप में हमेशा अमर रहेगा।